For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो और साथ ही साथ टीआरपी की रेस में शामिल होने वाले शो इश्क में मर जावा की, जहां आप सबको इन दोनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामाबाजी देखने को मिल रही है शो में, और ऐसा ही हर बार होता है इस शो के साथ। वहीं अगर बात करें कि क्या कुछ हुआ बीते एपिसोड में, तो आपको बताना चाहेंगे कि अब दीप ठान लेता है कि वो कल्याणी को ढूंढ कर ही रहेगा और उसको मार कर रहेगा, जिसके बाद वो चला जाता है विराट के साथ उसको ढूंढने। वो यहाँ रोहित प्लान बनाती है कि उसको उनसे पहले पहुँच कर कल्याणी को बचाना होगा, इसलिए वहाँ चली जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो सब उसकी चाल है। वहीं उसे पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना है, जहाँ वो बन जाती है एक बार फिर से केसरी, और उसको पकड़ लेते हैं जाकर दीप और विराट, जहाँ वो बच्चों की मदद से उन्हीं को फंसा कर आ जाती है और चकमा दे देती है। जिसके बाद घर में आकर विराट और दीप रोमा को बोलते हैं कि एक बार फिर से केसरी ने उन्हें चकमा दे दिया है, और रोमा को फिर से एक बार उन पर भड़कती है। इसके बाद अपने शो में ये भी देखा कि आरोही जाती है उन्हीं बच्चों के साथ और पार्टी करती है, वहीं तारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है जहाँ वो कैद में है और बच्चों से खूब ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं। अगर आपको बताएं अब कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, तो जहां अब केसरी का स्केच बनवाने लगता है दीप, तो यह बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मासी आकर बोलेगी कि वो आरोही है और दीप को दिखाएगी स्केच, जहां दीप आरोही और स्केच को देखकर ये समझ जाएगा कि दोनों सेम ही हैं, और हो सकता है कि इसके बाद आरोही का भी पर्दाफाश हो जाए। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.